हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई अक्टूबर का मंथ जो है वो शुरू हो चुका है, और ये जो मंथ है वो हमेशा के लिए क्रिप्टो की बात आती है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई अक्टूबर को हम अक्टूबर के नाम से क्यों कंसिडर किया जाता है इसको, तो उसके ऊपर भी बातें करेंगे और देखेंगे कि भाई क्रिप्टो के रिलेटेड क्यों इस चीज़ में हमें अक्टूबर क्या ये सारा चक्कर देखने को मिल रहा है, कहाँ तक जो आपके जो फेवरेट जो कॉइन है शिबा इनू ने भी अगर कहा है तो ये जो अक्टूबर का लफ्ज़ है आई थिंक शिबा ने ही इन्वाइट किया था, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे भाई दो ऐसे कॉइन जो हमें स्पेशली इस मंथ उसके ऊपर जो है नज़र अटकाए रखनी चाहिए। उसके बाद फ्लोकिनू के ऊपर भी, फ्लोकी ट्यूबर के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आज के टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के ऊपर भी बातें करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें इन्हीं कॉइन्स के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, साथ में बेल के आइकन को दबा लें ताकि अक्टूबर हो या अक्टूबर इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ, मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जी बिल्कुल, अब मेरे कहने पे आपको कभी भी कहीं पे भी किसी भी कॉइन में पैसा नहीं लगाना है। मैं जस्ट क्या करता हूँ, जो न्यूज़ है जो अपडेट जो चीज़ें निकल के आती है जस्ट वही आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपको कभी भी कहीं पे भी अपने कॉइन में अपनी मर्जी से पैसा लगाना है और अपनी रिसर्च करके फिर पैसा लगाना है, ओके। ना ही मेरी आपको किसी भी यूट्यूबर की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप अपनी खुद की नॉलेज लेके, क्योंकि आप अपना पैसा डुबा रहे होते हैं। कोई यूट्यूबर खुद का पैसा तो आपको नहीं दे रहा होगा कि भाई आप ये जाके फिलहाल जगह पर इन्वेस्ट कर लो। तो आपको हमेशा पहले अपनी रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर जाके आप अपना पैसा लगाएं, ओके। और जब भी पैसा लगाना है तो सारा पैसा नहीं लगाना, हमेशा अपनी अर्निंग का जो है काफ़ी बहुत लिटिल बिट अमाउंट लगाना है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि सर मैंने $1,000 लगा लिए और सारे के सारे वो $1,000 मेरे क्रिप्टो में डूब गए, मैं इसको कैसे रिकवर करूँ। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मुझे DM में पर्सनली बहुत सारे आते रहते हैं, तो आपको भी इन चीज़ का ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहता कि कल को आप भी मैसेज करेंगे भाई मेरा $1,000 डूब गया। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अक्टूबर आ चुका है, मार्केट ग्रीन हो चुकी है। जी बिल्कुल, बिटकॉइन $27,071 पे चल रहा है, 0.5% बढ़ चुका है। 1680 पे हमारा इथेरियम चल रहा है, 0.5% बढ़ चुका है। 214 पे BNB चल रहा है, 0.1% बढ़ा है। XRP 0.516 पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्डन 0.25 पे चल रहा है, 1621.29 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट हमें देखने को मिल रही है 0.5% के साथ, हमें मार्केट ग्रीन रन की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई ये तो है मार्केट की हालत। वहीं पे अगर हम देख ले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की हालत, तो भाई आज का जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 48 स्कोर के साथ न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, जो कल 47 स्कोर के साथ न्यूट्रल था, लास्ट वीक फेयर में था 44 स्कोर के साथ, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो भाई हमें 40 स्कोर के साथ एक फेयर कंडीशन में भी देखने को मिला। तो भाई ये हो गया आज का हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। वहीं पे बात करेंगे भाई आज के हमारे टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं, टॉप 5 लूजर्स कौन से हैं जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो भाई यहाँ पे मैं हम आ चुके हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई गाड़ी नेटवर्क, आई थिंक इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो चिंगारी जिसका सलमान भाई जो एड वगैरह भी करते रहते हैं, तो ये वही प्रोजेक्ट है। वो आपने देखा है कि भाई टॉप गेनर की लिस्ट पे आ चुका है, $0.04 की इसकी प्राइस चल रही है, 799 नंबर पे रैंक कर रहा है, 29.5% पीछे 24 घंटों में पड़ चुका है। उसके बाद ये कोई नया सा प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिला है 0x0AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, जो 25% बढ़ चुका है, क्योंकि ये मीम कॉइन होते हैं सडनली पंप हो जाते हैं सडनली डंप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैरी पॉटर ओबामा पैक मैन 8 इनू जो है वो 27% बढ़ चुका है, ओरिजिन प्रोडक्ट प्रोटोकॉल जो है वो 26% बढ़ चुका है, और क्वेंटा जो है वो 24% बढ़ चुका है। तो ये आज के हमारे टॉप 5 गेनर्स हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी जो है टॉप के गेनर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो टॉप प्रोजेक्ट्स 5 मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आज के हमारे टॉप लूजर्स कौन से हैं, तो भाई यहां पे आप देख सकते हैं कि ओपन एक्सचेंज टोकन OX जो है वो 21% डाउन जा चुका है, पिंक BNB 14% डाउन जा चुका है, ऑप्टिमस AI 12% डाउन जा चुका है, LIF3 ओल्ड जो है वो 17% और प्लेक्स जो है वो 11% डाउन जा चुका है। इस लिस्ट में हमें और भी नेट देखने को मिल रहा है, जैसे सेटमा देखने को मिल रहा है, अल्फा देखने को मिला है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो वहीं पे हम आए तो भाई देख लें शिबा इनू के साथ आज में चल रहा है। तो भाई शिबा इनू भी आप देख सकते हैं कि 0.50 के बाद
1.5% बढ़ चुका है, 19 नंबर पर रैंक कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में शिबा इनू का जिक्र करना भी बहुत लाजमी है। तो भाई बात करें अक्टूबर को लेकर, तो भाई क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आपकी स्क्रीन के सामने एक मैंने चार्ट खोला हुआ है जो है बिटकॉइंस मंथली रिटर्न। जी बिल्कुल, बिटकॉइन जो मंथली बेसिस पे जो है आपको कितना रिटर्न देता है। तो यहाँ पे जो अक्टूबर का जो मंथ है उसमें हमने देखा है कि भाई बिटकॉइन हमेशा जो है एक ग्रीन वैल्यू में रहता है। सिर्फ आप देख सकते हैं 2014 का जो अक्टूबर का मंथ था उसमें हमने देखा कि 12.95% डाउन गया था। उसके बाद जो था वो अक्टूबर 2018 में ये तकरीबन 3.83% जो था वो डाउन गया था। उससे बाद हमने देखा है कि भाई बिटकॉइन जो है आप देख सकते हैं कि भाई 2022 में 5.56% डाउन गया था। 2021 का जो अक्टूबर है वो काफ़ी स्पेशल कंसीडर किया जाता है ओवरऑल मार्केट के लिए। आप देख सकते हैं कि 39.93% जो है बिटकॉइन 2021 के अक्टूबर में जा अब गया था। उसके बाद जो है 2020 में 27% गया था, 19 में 10% गया था, 17 में 47%, और 16 में बात करें तो 14%, और 15 में 33%, और 2013 में ये 60% गया था। तो यहाँ पे इसी वजह से जो है कंसीडर किया जाता है कि भाई बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट अक्टूबर को अक्टूबर के नाम से ही कंसीडर करती है। एक तो इसका ये काज है कि भाई इसमें हमें जो मार्केट सारी एक बुलिश एक बुल रन की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, सारे जो कैंडल्स होते हैं वो हमें एक ग्रीन रन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, एक तो काज ये है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, जब भी अक्टूबर का नाम आता है तो उसको शिब की तरफ से कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको शिबा इनू का भी एक चार्ट है उस वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के मंथ का जो चार्ट है लास्ट 3 सालों का जो शिबा इनू का कंसीडर किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब भी शिबा इनू आता है तो अक्टूबर के साथ अक्टूबर आता है और 2021 को याद किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 833.6% का हमें जो है शिबा इनू ने 2021 के अक्टूबर में हमें गेन दिलाया था, और इसी वजह से जो उस अक्टूबर के मंथ को इन्होंने नाम कंसीडर किया जा रहा था अक्टूबर के नाम से। तो ओवरऑल जो मार्केट है अब इसी ही नाम से जो इस मंथ को जाने लगी है। वैसे हमने देखा कि 22 में भी ये 10% गेन दिला चुका है, तो यूजर्स काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में भी हो सकता है कि शिबा इनू जो है इसको काफ़ी आगे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो भाई अक्टूबर का आई थिंक आपको जो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, बस प्राइसेस में अब जाती है तो इसी वजह से यूजर जो है इसको एक अक्टूबर का नाम देते हैं। आई थिंक ये चीज़ तो आपके साथ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दो कॉइन जिसके ऊपर आपको नज़र डालनी चाहिए 2023 में। जी बिल्कुल, टॉप टू क्रिप्टो करेंसीज टू वॉच इन अक्टूबर 2023। जी बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉचर गुरु की तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया गया है। जी बिल्कुल, इसी ही भी लिस्ट में हमने देखा कि हमें एक तो बिटकॉइन देखने को मिला है और दूसरा इस लिस्ट में हमें शिबे इनू देखने को मिला है। तो भाई ये दो इनू ही कॉइंस ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको जो है नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये दोनों कॉइन दूसरे कॉइन भी मार्केट के वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये दोनों कॉइन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अक्टूबर के मंथ में। तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, भाई ये दो कॉइंस आपको देखने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब जो क्या है, देखो ना सारे लोग ट्रेंड की तरफ भागते हैं, तो फ्लोकिनो भी इस तरह का कुछ लेके आया है। जी बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लोकिनो भी अब फ्लोकी ट्यूबर के नाम से लेके आए। उनका कहना है कि भाई हम भी जो है हर साल जो अक्टूबर के मंथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस साल भी जो हम अक्टूबर का जो मंथ होगा वो हमारे लिए जो है वो एक काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। तो इसलिए फ्लोकी भी खुद के मन को कंसीडर किया जा रहा है फ्लोकी ट्यूबर, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि भाई इनके फ्लोकीफाई लॉकर है, प्रोजेक्ट ट्रियल है, वलारा मेटावर्सेस है, तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ों में हमें जो है अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेंगी फ्लोकी के इनू में भी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी सी न्यूज़ें थी, छोटा मोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ क्लियर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।